हेलो गाइस, सबसे पहले हमने चावल लिए हैं, उसके ऊपर लिए हमने मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने हम इस पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोनों को अच्छे से धोएंगे चकाचक वाला। उसके बाद हम एक आलू भी डालेंगे, आलू को भी धोएंगे, चावल को भी धोएंगे। चावल को हम दो पानी से धोएंगे गाइस, ध्यान रखना, दो पानी से हम चावल को अच्छे से धोएंगे, बिल्कुल अच्छे से ना, जैसे अपन धोते हैं। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन मटर, और ये फ्रोजन है, अभी तो मटर है नहीं, पर फ्रोजन मटर डाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चावल जो बनेगी खिचड़ी वो थोड़ी हरी भरी बने। उसके बाद हमने मटर डाले, जितने आपकी लगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना डालूँ तो आप भी डालें। उसके बाद हम कुकर रखेंगे गैस पर, गैस ऑन करेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल, ठीक है। क्योंकि गाइस इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, और हम प्याज और लहसुन नहीं डाल रहे हैं। आपको डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। हमने ऑयल डाला है, ठीक है। ऑयल डालने के बाद हम ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये देखिए, हमने चॉप करके रख लिए हैं आलू को भी, कितना अच्छा लग रहा है हमारा चावल और मूँगफली के दाने, मटर और आलू। उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे जीरा, ठीक है गाइस। नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए हम लहसुन प्याज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छा सा हम मतलब अपन ने जीरा डाल दिया, उसके बाद अच्छा सा हम उसको ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। उसके बाद ही ये देखिए, मैंने हाथ डाल के भी चेक कराया। उसके बाद हम डाल देंगे डायरेक्ट पानी। ये देखिए, ओह कितनी झनकार है, फिर भी हम डायरेक्ट पानी डाल देंगे। और पानी उतना डालना है जितना आप चावल, जैसे चावल एक कप लें तो दो कप पानी आपको डालना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने डाली लाल मिर्च। लाल मिर्च स्वाद अनुसार जितनी आप स्पाइसी पसंद करते हैं, ठीक है, उतना ही डालें। मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे हल्दी पर। हल्दी ऑप्शनली आपको डालना है, वाइट खाना है तो हल्दी मत डालिए, ग्रीन खाना है तो डालिए। उसके बाद हम डालेंगे घी। देसी घी स्किप करना नहीं है, देसी घी तो आपको डालना है, उससे स्वाद सुगंध सब बढ़िया रहेगा। एक चम्मच मैंने करीब डाला है, नापा तो नहीं है, और इसको हल्का सा होन दीजिए। और अच्छा सा उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। हमने नमक जैसे ही डाला गैस, और नमक को भी अच्छा सा मिलाएंगे, और सब मसाले डालने के बाद हिलाएंगे ज़रूर, और थोड़ा सा होन देंगे। डायरेक्ट हम इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है, या चावल नहीं डालेंगे। उसके बाद हमने जो मिक्सर एरिगेशन बनाया था चावल का, वो डालेंगे, देख सकते हैं। और हमने चावल का डाल दिया है, उसको चावल इन सबको मिलाइए। और अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो चावल सही से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा सा इसको जितना आप मिक्स कर सकते करें। उसके बाद ये फाइनल ये हुआ है। उसके बाद हम लगा देंगे सीटी, दो सीटी होन देंगे हाई फ्लेम पर, ठीक है। ध्यान रखना है ना गाइस, जो फ्लेम होगी वो हाई होगी, हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए आप, मस्त सीटी हो गई अपनी, और सीटी होने का हमने वेट किया। वेट फुल करने के बाद ये देखिए फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर आप धनिया, मुझे धनिया पसंद नहीं है, आप धनिया डाल सकते हैं। और आप देख सकिए अंदर की जो स्टफिंग है, आलू है, वो किस तरह कितना खिले खिले चावल बने हैं, कितने अच्छे बने। तो गाइस एक बार अपने घर पर ट्राई करिए, अच्छा है टेस्ट, हम तो चले खाने। एंड बाय, सी या, टाटा।